उन्होंने कहा कि मैं नहीं आजा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा किया तो बीजेपी ने किया महिलाओं की सुरक्षा। सूरत सिटी है, सूरत में आए दिन रोज बलात्कार होता है, तो भाई देखो ऐसे बोलेंगे पटेल साहब तो सुनाई नहीं पड़ेगा जी। तो महिलाओं को कौन से अभी 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 कितना कांड हुआ, बलात्कार हुआ है महिला के ऊपर, तो कौन सा केस में वो रिहा कर देते हैं ना। आज वो भरूच में जो वो भरूच में जो मोरबी में जो कांड उसमें मोदी जी आए तो दीवार पे पोता लगाने टाइम मिल गया, लेकिन वहाँ जो मरे हुए हैं उनको देखने का टाइम नहीं है उनके पास। जी जी मैं आ रहा जी। आइए साहब आगे आइए, गजब है, मुझे अब पता चला कि गुजराती आ गया कोई। मारवाड़ी मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था कि कौन, मैंने कहा गुजराती आ गया, मुझे लगा। बोले नहीं नहीं मैं गुजराती नहीं हूँ, मारवाड़ी हूँ। अंदर आइए फिर, मारवाड़ी अंदर आइए, क्या बात है। मारवाड़ी लोगों को तो अंदर बुला लेना चाहिए, तुरंत बुलाना चाहिए, क्या बात है। नमस्ते साहब। नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या काम करते हैं साहब? साड़ी का व्यापार है, रंग तिरंग साड़ी का दुकान है, शोरूम है, 32 साल से। देखिए पक्का ये मारवाड़ी है। मैंने पूछा क्या काम करते हैं तो इन्होंने नाम ये नहीं कहा कि साड़ी का काम करते, बोले रंग तिरंग, तुरंत अपना अपने प्रचार तुरंत। तो कैसा चल रहा है व्यापार? एकदम बहुत बढ़िया। तो साड़ियां तो सब सूरत से आती हैं? सूरत, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, सब जगह से आती है। सब जगह से साड़ी? ऑल ओवर इंडिया। बनारस से भी आती है? आती है। बनारस मऊ सब आती है, मऊ से भी आ रही है। तो पूरे देश भर से साड़ियों का काम आप करते हैं, तो इस बार आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आपके अनुभव का तो बड़ा इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे बताइए कि कैसा इस बार गुजरात का चुनाव है? गुजरात का चुनाव बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और मोदी सरकार में हम तो परम भक्त रहे हुए। परम भक्त? अरे अंदर आइए। इतनी साफ गोई के साथ आपने बोला कि मैं परम भक्त हूँ। आपको लोग कहते हैं तो कुछ नहीं लगता, बोले मैं परम भक्त हूँ? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों परम भक्त क्यों है आप? बस उनका मुझे जो राजनीतिक करने का जो ये तरीका है। हाँ। वो बहुत ही बढ़िया लगा, जैसे क्योंकि हमको जीएसटी लगा। हाँ। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी हुआ हमारा, लेकिन उसके बाद हमारा माइंड पूरा सेटअप हो गया। हाँ। और आज की तारीख में पूरा व्हाइट काम चालू है हमारे पास, ओनली व्हाइट, क्योंकि दो नंबर क्या होता है हमको पता भी नहीं। अभी दो नंबर क्या होता पता नहीं, पता ही नहीं, टोटल व्हाइट। और रात को नींद आराम से निकालते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और जब समझिए अपने देश का मारवाड़ी बोल रहा है ये, तो हमें तो पूरा विश्वास है आप पर। क्योंकि अगर मारवाड़ी बोल रहा है तो 100% सही बोल रहा है। तो रात में नींद आ रही है आपको? आराम से आ रही है। पहले जो था जीएसटी पे, पहले वो पर्ची से काम हो जाता था, पर्ची से काम होता था। हाँ। और डर भी लगता है कहीं कुछ आ नहीं जाए। हाँ। लफड़ा हो नहीं जाए। आज की तारीख में व्हाइट में आता, व्हाइट में जाता है। और कस्टमर उसको भी फॉलो करते हैं कि ये काम तुमने बहुत ही अच्छा किया, नीट एंड क्लीन। और इसीलिए आप उनके फैन हैं? हाँ जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने आपको पूरी तरह से ईमानदार बना दिया। ईमानदार बना दिया। इसलिए 100% नाउ यू प्लीज आंसर। ये बोल रहे हैं कि ईमानदार, तो कांग्रेस ने कौन सा इनके लिए खराब किया है बताइए, बताइए कांग्रेस ने कौन खराब किया था इनका? आप देखिए, आप मारवाड़ी हैं, आप समझ के जवाब दीजिएगा। उस समय हिसाब किताब था। हाँ। लेकिन सही हिसाब किताब नहीं था, सही नहीं था। और भ्रष्टाचार रग 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 में भरा हुआ था, क्योंकि उस समय एक नंबर बिल्कुल करते ही नहीं थे, टोटल दो नंबर होता था। उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ही को ही कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो है वो सही बात बोला। मान गया भाई गुजरात को, मजा आ गया गुजरात, थैंक यू वापी, मजा आ गया बाबूजी, सच कह रहा हूँ। मैं बहुत जगह जगह घूम के जाता हूँ, शो करने जाता हूँ, लेकिन इतनी ईमानदारी भी तो हो। कोई कहे कि मैं इसलिए पहले बेईमान था या बेईमानी कर लेता था या थोड़ा हेर फेर कर लेता था, लेकिन आप नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर पाओगे ना, मोदी का राज है, कौन करके दिखाएगा, नहीं हो पाएगा, मोदी का राज है। आओ अंदर आओ, अंदर आओ यार, अंदर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखिए शो वो होता है जिसमें सबको बराबर का मौका मिले और ईमानदारी से मौका मिले। और जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, जिसको जीतना है वो तो जीतेगा ही, उसमें तो कोई नहीं। जाना तो सबको है हुजूर, हुजूर अली। अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ हुजूर। अखलाक भाई, अखलाक भाई, भाई ना ये गलत बात है सर, नहीं सर जी। अखलाक भाई आप क्या कह रहे थे?
वो भाई बोल रहे हैं कि पहले चोरी होता था जीएसटी, आप भर रहे हैं तो नींद से सो रहे हैं। एक मिनट, उस भाई वो बोल रहे हैं कि अभी ईमानदारी हो गया, मोरबी का 2 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट में 12 लाख रुपया खर्चा करके और इतना 150 आदमी को मार दिए। वो भाई नहीं बोल सकते हैं, मोरबी में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट और 12 लाख रुपया खर्चा हुआ और पैसा कहाँ गया? और उसके जो कातिल आज तक पकड़े नहीं गए, जो ठेकेदार आज तक कहाँ है वो? वो कंपनी कहाँ गए वो? अखलाक भाई का सवाल है और 100% का सवाल है भाई, सवाल तो गजब का पूछा है। नहीं, अखलाक भाई का सवाल है। देखिए, अगर उनका सवाल सुनने का आपके अंदर मादा है तो सवाल तो इनका भी सुनना पड़ेगा, सवाल तो सुनना पड़ेगा। जवाब भाई, अखलाक अखलाक अखलाक